ओके कैटिस का इंतजार था सभी को, वो इंतजार खत्म हुआ और आदि पुरुष का ट्रेलर आज आ गया, फाइनली आज आ गया। तो देखते शुरू करते, मैंने अभी तक नहीं देखा है तो साथ में देखते हैं, शुरू करते 3 2 1। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। भिक्षाम देहि। अयोध्या के युवराज हैं। एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लड़ेगी। ये मर्यादा के विरुद्ध है। तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है? जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जंगली बुढ़िया के पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। अपनी शक्ति पहचानो बजरंग, जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। जय श्री राम। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। जो भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षसी है। लक्ष्मी को पा ले, नारायण हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी को पता है ये 16 जून को ये मूवी आएगा और यहाँ पे भी कंफर्म कर दिया कि 16 जून को ये मूवी आएगा। और मैं कुछ भी भाई, इसमें बहुत ज़्यादा सीजीआई इंप्रूव हुआ है। पहले का जो टीजर आया था उस पर बहुत ज़्यादा हेट मिली थी इस मूवी को, प्रभास के लिए और इसके डायरेक्टर के लिए, राइटर की बहुत ही ज़्यादा मिला था। और लेकिन ये ट्रेलर सब कुछ ख़त्म कर देता है, और खास करके वो सीन नहीं दिखाया गया जो कि ट्रेलर में दिखाया है, बहुत ही स्मार्टली प्ले किए हैं, बहुत ही अच्छा है। क्या उस ऐसा कोई सही नहीं है जहाँ से यहाँ पे इनको कुछ हीट वगैरह मिले जिससे मूवी की थोड़ी भी हाइप कम हो। और हाँ, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने इम्प्रूव भी किया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। सीजीआई वगैरह, कलर, टोन सब कुछ एकदम ब्यूटीफुली अरेंज किया गया है इसमें पहले की अपेक्षा। और हाँ, मैंने ये भी नोटिस किया जहाँ जहाँ रावण को दिखाया जाता है वहाँ का जो कलर टोन है थोड़ा डार्क दिखाया जाता है, डार्क टोन में। और वहीं जब बात करें श्रीराम और मैया सीता की, तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली येलो टोन, मतलब लाइट टोन दिखाया जाता है, जो कि उनके बीच में जो प्रेम है उनको बताता है कि हाँ कैसा था। बहुत ही अच्छे से यूज किया है। खैर देखते हैं, चलो उनको मजा आएगा। और मैं बता सकता हूँ ये जो मूवी है ना, अभी तक जितनी भी मूवी आई है इंडिया में सबको ओवर थ्रो करके आगे जाएगी, सबका रिकॉर्ड तोड़ देगी भाई, हर मूवी का जो अभी तक आई है इंडिया में, जो सबसे ज्यादा कमाई की है उस सबका। और
सबसे पहले ये मूवी हमारे आस्था से जुड़ी है, चाहे कि इसके कितने भी एडिशन बन जाए, कितने भी क्यों ना बन जाए, हम देखेंगे चाहे जो हो जाए। क्या आप बताना आपको कैसा लगा? अगर मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, पता नहीं बचपन की यादें ताजा हो गई। आप बताना कैसा लगा?